बोरोसिल रिन्यूएबल। अगर आपके पास बोरोसिल रिन्यूएबल का शेयर है, अगर आप सोच रहे हैं कि बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर आप निवेश करेंगे, तो आज के वीडियो आपको देख लेना चाहिए। कंपनी फ्यूचर डिमांड और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए दो नए कंपनीज के अंदर यहाँ पे नजर गड़ाए रखे है और वहां पे कंपनी निवेश भी करने वाला है। तो बोरोसिल रिन्यूएबल यहाँ पे दो यूरोपियन कंपनीज को खरीदने जा रहा है, वो भी 100% स्टेक के साथ। अगर आपको ये न्यूज पता होगा तो वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे उसके डिटेल्स के बारे में, किस तरह से ये एक्विजिशन के कारण बोरोसिल रिन्यूएबल को इसका फायदा मिलेगा, तो एक एक करके जान लेते हैं डिटेल्स में। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज शेयर करने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है बोरोसिल रिन्यूएबल के द्वारा उसका ऑफिशियल साइट के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी दो यूरोपियन कंपनी को खरीदने वाला है और कितना अमाउंट के हिसाब से, टोटल अमाउंट खर्चा करने वाला है 430 करोड़ से लेके 450 करोड़ के अंदर। और यहाँ पे बोरोसिल का कहना है कि 100% स्टेक कंपनी यहाँ पे खरीदना चाहता है दोनों यूरोपियन कंपनीज के अंदर। और ये जो कैपेसिटी यहाँ पे एक्सपेंड होगा वो होगा 66% के आसपास। तो बोरोसिल का जितना भी कैपेसिटी अभी रिसेंट कंडीशन में है, उससे भी 66% ग्रोथ आप देख पाएंगे कैपेसिटी के अंदर। हालांकि यहाँ पे 470 टन पर डे अभी मैन्युफैक्चर करता है, कैपेसिटी यहाँ पे है बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर, वो बढ़ के 750 टन पर डे पहुंच जाएगा ये एक्विजिशन होने के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंपनी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है वो है ग्लास मैन्युफैक्चर ब्रैंडिबो, इसका नाम है GMB। और ये कंपनी भी यहाँ पे ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं और यूरोप के अंदर सबसे बड़ा लार्ज कंपनी है ग्लास मैन्युफैक्चर के मामले में। और कंपनी का कैपेसिटी की बात करें, यहाँ पे 300 टन पर डे का कैपेसिटी GMB कंपनी के पास है और बोरोसिल के पास कितना है, 470 टन पर डे अभी के हिसाब से। तो ये जो पैसा खर्च करने वाला है ये कंपनी को एक्वायर करने के लिए, वो अमाउंट आपको 200 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो बोरोसिल रिन्यूएबल यहाँ पे 200 करोड़ के आसपास खर्चा करने के बाद ये पर्टिकुलर कंपनी को यहाँ पे एक्वायर करेगा। साथ ही साथ बोरोसिल यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पंच करने वाला है, जहाँ पे कंपनी का जो ऑपरेशनल कामकाज है उसको भी संभाला जाए और प्रोडक्शन के अंदर बेहतरीन ग्रोथ ला पाए। तो फ्यूचर ग्रोथ को स्टेबल में लाने के लिए कंपनी यहाँ पे एक्वायर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पैसा है वो भी इन्फ्यूज करने वाला है। अगर ये पर्टिकुलर कंपनी जो GMB इस कंपनी के अंदर जो करोड़ों से ले रहा है आपको जो बेहतरीन रेवेन्यू माना जाता है, अगर आप इसको से कंपेयर करते हैं तो बोरोसिल का अभी करीब आपका 660 करोड़ दिखाई देगा। तो उस और ये कंपनी का लेने का जो मेन मकसद है बोरोसिल का, वो प्रोडक्ट के अंदर कंट्रोल किया जाए और ये पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश करने के बाद कंपनी का यूरोप के अंदर जो मार्केट है उसके अंदर बेहतरीन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जर्मन बेस्ड इस पर्टिकुलर कंपनी के लेके यहाँ पे फ्यूचर गोल की बात करी, तो बोरोसिल का कहना है जो अभी रिसेंट कंडीशन में GMP के पास जो कैपेसिटी है 300 टन पर डे, इसको कंपनी यहाँ पे 500 टन पर डे में ले जाने का कोशिश यहाँ पे करेगा। इसका पीछे का रीजन है मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक्सपोजर कंपनी को लेना ही पड़ेगा। इसी के चलते बोरोसिल को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा और यूरोप के अंदर डिमांड भी कंपनी यहाँ पे फुलफिल कर पाएगा। Subscribe now and press the bell icon. और ये डील कंप्लीट होने के बाद बोरोसिल रिन्यूएबल का जो रिसेंट कैपेसिटी है 450 टन पर डे, वो कैपेसिटी बढ़ के कितना हो जाएगा, 950 टन पर डे। तो बेहतरीन एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा जो डबल से भी ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा कंपनी है जिसके अंदर बोरोसिल रिन्यूएबल 100% एक्वायर करने का कोशिश कर रहे हैं, इसका नाम है इंटरफ्लोट। ये भी एक यूरोपियन कंट्री बेस बिलोंग करते हैं। इंटरफ्लोट कंपनी का एक्सपीरियंस की बात करें तो करीब करीब 42 इयर्स का एक्सपीरियंस कंपनी के पास मौजूद है। जब यहाँ पे बोरोसिल रिन्यूएबल को पूछा गया कि इंटरफ्लोट के अंदर आप क्यों निवेश करना चाहते हैं, तो कंपनी का कहना है जो कनेक्शन बेस्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग है इंटरफ्लोट के अंदर, तो उसका फायदा कंपनी उठाएगा। साथ ही साथ जो कंपनी के पास रेडीमेड कस्टमर का एक पूरा गुच्छा है उसको भी कंपनी यहाँ पे एक्वायर करेगा। मेनली ये दो कारण के साथ बोरोसिल रिन्यूएबल इंटरफ्लोट के अंदर निवेश कर रहे हैं
और ये जो निवेश किया जा रहा है उसके अंदर 40-45 crore जो पैसा कंपनी देगा वो कैश में देगा, और बाकी जो बचा हुआ पैसा करीब 180-190 crore के आसपास जो पैसा बच जाता है वो शेयर स्वैप के थ्रू यहाँ पे करेगा, जो ये बाद में आपको होते हुए दिखाई देगा। और ये जो अमाउंट आपको मैं बता रहा हूँ 180-190 crore, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि ये शेयर स्वैप के कारण। और इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर रेवेन्यू की बात करें वो आपको 480 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक देखने को मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो अभी रिसेंट कंडीशन में कंपनी का रेवेन्यू है, ये बोरोसिल रिन्यूएबल इसको एक्वायर कर लेता है तो जो 480 करोड़ टू 500 करोड़ रेवेन्यू अभी कंपनी अर्न कर रहा है वो बोरोसिल के खाते में फ्यूचर में आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि कंपनी का जो रिसेंट कंडीशन में जो बोरोसिल रिन्यूएबल का रिसेंट कंडीशन का रेवेन्यू है वो 660 करोड़ के आसपास है, और ये दो कंपनी यहाँ पे एक्वायर कर लेता है तो कितना हो जाएगा 872-900 crore के आसपास कंपनी का एक्स्ट्रा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करके देगा, जो रिसेंट कंडीशन में कंपनी का रेवेन्यू से डबल दिखाई दे रहा है, उससे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। और शायद आपको पता होगा जिस तरह से कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रहा है, जिस तरह से कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है मार्केट डिमांड को लेके, मार्केट का जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है उसको लेके। हालांकि शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा सा प्रेशर है, चाइना के डिपेंडेंसी भी एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है, लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड इतना ज्यादा है कि कंपनी को यहाँ पे एग्रेसिवली कुछ कंपनीज को एक्वायर भी करना पड़ रहा है, अपना जो मार्केट शेयर है उसको भी इंक्रीज करने के लिए, अपना जो कैपेसिटी है उसको भी कंपनी को इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो अगर आपके पास ये पर्टिकुलर शेयर है, अगर आप सोच रहे कि इसके अंदर आप निवेश करेंगे फ्यूचर में, तो दो चीज़ का ध्यान आप जरूर रखिए। पहला चीज़ है कंपनी का वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन के अंदर आप निवेश करेंगे। दूसरे बात है कंपनी का मार्जिन, आपको ये बात दिमाग में रखना चाहिए कंपनी का मार्जिन कभी भी अनस्टेबल हो सकता है। जिस तरह से कंपनी यहाँ पे मार्जिन एंजॉय कर रहे हैं वो थोड़ा सा लो होते हुए भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कुछ बातों का ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए। हालांकि कंपनी बहुत बढ़िया कर रहे हैं और फ्यूचर में भी जिस तरह से कंपनी यहाँ पे अपना कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, लग रहा है कि कंपनी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और इससे भी पहले मैं बोरोसिल रिन्यूएबल के अंदर क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए उसका भी पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी देखने के लिए नीचे आप लिंक में देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.